अरे आदि आजा, तेरा पानी धरा, ठंडा हो जाएगा। साहब भाई, तेरी तनख्वाह के पैसे तेरे घर पहुंचवा दिए, उन्हें बता दिए, और तेरे खर्चे लाख पैसे में एटीएम तक सांझू काट कर दे दूंगा। ठीक है भैया। और हाँ, अब तो चढ़ा तेरा बुखार? ना ना, अब ना चढ़ा। तू पूरे दिन चाय पीवे ना बैठ के, इसमारा चढ़े दूध पिए कर, तेरी सेहत भी ठीक रहेगी और बीमारी भी तेरे से दूर रहेगी। हाँ भैया, अब तो शरीर में दूध पी के ताकत आ रही है, दो चार आदमी को तो वैसे ही ठोक दूंगा बीड़ी पी के। बीड़ी ना पी ली, समझ गया? अरे भैया, यू मेरा तकिया कलाम है बीड़ी पी के, मुझे अपने फेफड़े थोड़ा फूकने। अच्छा चल, एक काम करिए, बांगर वाले खेत में पानी चल रहा है, तो वाली चाबी ले जाइए, बंद कर दिए। ठीक ठीक है। अरे कहाँ रह गया आदि? ओ मेरे चाचा, नहा ले, क्यों दुखी कर रहा? मैं ना नहाता अभी, सुबह सुबह ठंड में मैं ही मरने को मिलाऊ क्या? बेटे आजा, पानी ठंडा हो जाएगा, मैं तो नहा लिया ठंडे पानी में, तेरे ने गर्म पानी कर रखा। मैं तो दोपहर को नहाऊंगा। ऐसा ना मानना तू, मैं बताऊंगा तुझे। आजा 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 आजा। आदि नीचे रख दे से, लग जाएगी धर नीचे से। मैं ना नहा रहा अभी, सिर फोड़ दूं पत्थर मार के। नीचे धरी से। रुक जा, मैं बताऊंगा तुझे, तने मारा बड़ा खून भी रखा। रुक वा। आजा, मैं ना डरता तुझसे। ना तो हम डरे तेरे से, चुपचाप नहा ले, चल मेहमान आने वाले हो रहे, रख इसे। चल नहा ले। नहा ले जाके चुपचाप। ठंड में बालक को नहा रही है, पाप लगेगा तुझे। अरे ओ नहा ले चुपचाप। तुझे ज्यादा लगेगा, बहू के नाम पे फुल्ला नहीं समारा। घनी जुबान चलाने लगा दिखे, चुपचाप पड़ जा, बेतरा नागे बाहर निकलिए। नीसू बाल्टी धर दे इसकी, चल। अरे चल नीसू बाल्टी धर इसकी। अरे नू बता, तना आज भी नाश्ता ढंग से नहीं करा है, और तेरा कल रात का दूध भी ऐसी गिलास में रखा था। मैं ढंग से देख रही हूँ, तू आजकल ध्यान नहीं दे रहा नाश्ते पे बिल्कुल भी, ना खाने पे। भाभी दूध पीना ध्यान न रहा, पर नाश्ता तो मैंने ढंग से करा था। हाँ बहुत ढंग से करा, अच्छी तरह देखा मैंने, एक परांठा मांग कर दूसरा तने मांगा भी ना, ठीक है ना? अरे तेरे खाने पीने की उम्र है, तू ध्यान नहीं दे रहा। भाभी छोड़ दे, दर्द हो रहा। पहले बता, खाना पीना खाओगा टाइम से? हाँ खाऊंगा टाइम, अच्छी तरह खाओगा? हाँ बिल्कुल। तू कहाँ गया था? अरे ये भुलक्कड़ राम है, कल सांझ को सामान खरीद के मैं दुकान पर भूल आए थे, अब लेने गए थे। अरे तू 70 चीज बताओगी तो भूल लूंगा ही मैं, तू भी पीछे ही पड़ी रहा मेरे कदी मेरे कदी इसके। अच्छा मेरे भाई में भूल रहा सारा सामान, अपने भाई में तो बहुत भाग भाग के सामान ला रहा था। भाभी राम राम। राम राम। अरे राम राम तो ठीक है, पर तुम आगे घने टाइम पे अपने आप को देख भुलक्कड़, तू नहाया भी ना अभी? नहा लेंगे, चड्डा बहुत है। सीमा चल भीतर, कुछ काम चल के देखे हैं, ये तो सारे सारे बावले इकट्ठे हो रहे। हाँ दीदी, ये दो तो पहले से ही पागल थे, और ये छोटे वाला अब हो जाएगा। वो कैसे भाभी? घोड़ी जो चढ़ने वाला है। अच्छा ए चल तू भीतर, काम देखे हैं। क्यों रज रही मैं, चल। भाभी इसे भी देख लियो, कदी रील वील बनाने में रह जाओ बस। अरे पूरे को आओ, दोनों बात करनी सर से, यहाँ को आ जाओ घेर में। हाँ बता क्या बात है? भाई जो बात फेरे दोनों से करने वाला हूँ ना मैं, उस बात को बिल्कुल ध्यान से सुनियो। आज जब मैं बाजार में था ना, तो मुझे सत्य मिला था, और सत्य मुझे यूँ बता रहा था कि झपटे अब की बार पर्चा भरने की फिराक में, और वे ये बात भी जानते हैं कि हम जिसके साथ है ना, सारे काम की वोट उन्हें मिलनी है। तो भरण देना, हमें क्या दिक्कत है? हम कौन सा डरे हैं उनते? अरे बात डरने वाली ना है। तो क्या बात है भाई? ये तो तुम जान ही हो, हमारे उनके परिवार की पुरानी डाड़ है, इस वजह से हम तो उनके साथ लग नहीं सकते। लेकिन सत्य मुझे ये बता रहा था कि वो हमारे परिवार को कुछ नुकसान पहुंचाने की सोच रहे। तो हम कौन सा डरे उनते? फौजी के बालक हैं, ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे, हड्डियों का चूरमाना बना देंगे सालों का। अरे मेरे भाई बात डरने वाली नहीं है, सीधा तो हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते, पर वे कुछ ना कुछ गलत सलत कर हमारे परिवार में से किसी को उलझाने की कोशिश करेंगे। ठीक कराने से भाई भीम में, तू भी हमारा अपना ही भाई है, हमारे चाचा का छोरा है, तू भी सावधान रहिए थोड़ा। ठीक है, तो हम गांव में आने जाना भी कम ही रखेंगे, और आदि भी कोई भेजेंगे ना तो उसका ध्यान रखेंगे। बिल्कुल सही कह रहा है, हमारा ब्याह का घर है, ध्यान रखना पड़ेगा हमें। चलो ठीक है, थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, घर में मेहमान आने वाले हैं, थोड़ी व्यवस्था देखो। ठीक है।
तू कहाँ जा रहा है बेबी दे? ले पकड़ अपनी अमानत, अगर बीड़ी पी रहा है ना तो अपनी जेब में रखे कर, मेरे पर पल्लेदारी करवावे। पल्लेदारी बता रहा है, भूल गया मेरे एहसान? एहसान एक बार मेरे वाले ने मंडल जेब में पकड़ लिया था भाई, पूछे मत, मुश्किल से पिंड छूटा। तेरा तो डोल सा पीट दिया होगा उसने। चला फालतू मत बोल, अपने फेफड़े से और भीतर आ जा, और तेरी मैडम ने देख लेना तुझे मंडल में बांट देगी, समझ गया? जब वो बाहर को आवे ना सिट्टी मार दिए, देख लूंगा। देखो जी चौधरी साहब, बालक तुम्हारे गांव में और भी हैं, पर ऐसा छोरा नहीं। आजकल के बालक 4 हरफ पढ़ के अपने आप को कलेक्टर समझे, किसी की ना सुनते। सही कह रहे हैं चाचा। पर ये हमारा वीरपाल का छोरा गांव में सबकी तो मदद करेगा, ऐसी ऐसी तकनीक लगा रहा खेती में, सबसे बत्ती पैदावार ले रहा है। चाचा अभी दवाई का टाइम हो रहा है। अरे तेरी मैं तो भूल गया था भाई। चलो मैं तुम्हें छोड़ता हूँ। मैं चला जाऊंगा लाला, तुम बैठो मेहमानों की। भीमा तू छोड़ दे चाचा को। चलो लाला तुम बैठो। ये मेरे परिवार से है जी, मेरे साथ चला गया। ये चाय पीता फिर जाहा, जा भी मेहमान आवे उससे पहले पहुंच जाहा वहां, पता ना कौन खबर दे दे। निशांत बेटा, तुमने नौकरी के बारे में नहीं सोचा इतनी पढ़ाई करने के बाद? जी एग्रीकल्चर की पढ़ाई करने के बाद स्पेशल ट्रेनिंग ली थी, तो नंबर गुजरात में आया तो सोचा जब तक अपने प्रदेश में ही पोस्टिंग ना मिल जाए तो तब तक और मेहनत कर लूँ, और पास में ही नौकरी मिल गई तो ठीक है, ना तो अपनी खेती कर लूँगा। जी अजी नौकरी में तो केक काट देंगे, हर साल 200 लाख का गन्ना गिर रहे हैं, और हमारा भाई यही सरकारी। बेटा आप किस महकमे में हो? मैं स्कूल में क्लर्क हूँ जी। बहुत अच्छे। नीमा जी आप? ये मेरे चाचा का लड़का है जी, लेकिन है सगे भाई से भी बढ़कर। बहुत बढ़िया, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि अपना दूसरे को बारे में सोच के चले। हम तो बहुत छोटे छोटे थे जी जब हमारे माँ बाप गुजर गए थे, और हमारा ख्याल हमारे चाचा चाची ने रखा। कुछ टाइम पहले हमारे चाचा चाची भी गुजर गए, वो हम तीनों भाई मिलकर रखते हैं जी, सगे भाइयों की तरह। बेटा भैया आप क्या करते हो? जो चाची बोल दे वही करना पड़ा है। तू थोड़ा कम बोल दे कर। बहुत शरारती बच्चा है। शरारती बहुत चंट है जी। बालक को ऐसा ही होना चाहिए। हाँ हमारी रश्मि भी बचपन में ऐसी ही थी। बचपन में? वह तो अब भी इतनी शरारत करे, पूछो मत बस। रश्मि क्या हुआ बेटा, नाम सुन के चौंक क्यों गए? मेरी मैथ टीचर का नाम है रश्मि, बहुत कड़ू है, बहुत मारती है। अरे चुप हो जा। बेटा कौन से स्कूल में पढ़ते हो? श्यामपुर वाले में। हाँ तो हमारी रश्मि भी पढ़ाती है। स्कूटी से आ गए है क्या? हाँ क्या हुआ? स्कूल में इतना मारे, घर आ गई तो मार मार के जांच बना देगी, मैं तब से रिश्ते को ना है। कुछ ना कहने की बेटा, वो अब से मैं समझा दूंगी उसे। बहुत प्यारा बच्चा है ये। यो इस निशांत का बिगड़ा है जी, डांटा नहीं देता बिल्कुल ही। अरे बालक ही तो है। बेटा हमें आपका परिवार बहुत अच्छा लगा, आपने बिना माँ बाप के भी अपने परिवार को संभाल रखा है, हमारी बेटी इस घर में बहुत खुश रहेगी। हमारी तरफ से तो हाँ है जी, अगर आपकी कोई मांग हो तो वो बताओ। कोई मांग ना है जी हमारी, जिसने बेटी दे दी अपनी उसने सब कुछ दे दिया। हमारा तो बस इतना निवेदन है आपसे, जब हमारी बारात आपके यहाँ जा, हमारा कोई बराती नाराज ना हो। इस बात की चिंता मत करो जी, हमारी पूरी गारंटी है। देखो जी हमारा एक फूफा है, इंसान बहुत बढ़िया है, पर वैसे नाराज हो जाए छोटी छोटी बातों पे, उनका तो मैं थोड़ा खास ध्यान रखना पड़ेगा, वो बहुत जल्दी नाराज हो जाए। पूरा ध्यान रखेंगे एक एक चीज का। निशांत बेटा आप अपनी कुंडली दे दो, हम एक अच्छा सा दिन निकलवा लेंगे पंडित जी से। निशांत तेरी भाभी को पता कहाँ रखी कुंडली, इसके साथ चला जा ले जा। कुछ रिश्तेदार ऐसे हैं जो ज्यादा पी पा रहे हैं, कोई दिक्कत तो ना है? अरे काहे की दिक्कत, सब सही हो जाएगा। तो रिश्ता पक्का समझे? पक्का रिश्ता। लो जी सी बात, मुंह मीठा करो, आप लोगों ने कुछ खाया भी नहीं अब तक। अरे ऐसा मीठा थोड़ी खाया जाएगा, पहले गले लगो, बड़ा भाई बाप के समान होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप भी लो जी।
आप मिला जी। सच में आदि बहुत क्यूट हरकतें करता है, स्कूल में भी वो मेरे से नाराज हो जाता है। अच्छा जी, तो चाची है तो उसकी, मना लेकर उसे, जान है वो मेरी। और मैं? तुझे तो मैं मना लूंगा, पर तू समझ ना कर, रखे कर, वो मेरे काबू में ना आता। और मैं तुम्हारे काबू में आ जाती हूँ। हाँ, एक बार शादी हो जाने दो, तुम्हें तो मैं बताऊंगी काबू में आना किसे कहते हैं। अरे मैं तो पहले तेरे काबू में हूँ। अभी कहाँ हो तुम काबू में? निशान, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हमारा रिश्ता तय हो गया है। तो कुछ दिन रुक जा, बाकी कार्ड छप जाऊंगे ना, तुझे जब यकीन आएगा। नहीं यार, इतनी आसानी से हमारा रिश्ता हो गया तो और तू उसमें क्या चाह रही थी, कि मर्डर हो जाए या और कोई बात हो जाए? नहीं, वो फिल्मों में होता है ना, रोना धोना, जहर खा लेना, भाग जाना, हमारे में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यह असल जिंदगी है, इसमें या तो ब्याह हुआ है या डायरेक्ट ना हुआ है। फिर भी मजा तो कुछ आया नहीं। तू पहले भी ब्याह हो जान दे, मजे लेने के लिए सारी उम्र पड़ी है, अगर कुछ फाल्ट हो गया ना तो ब्याह भी रुक जाओगा यू। अच्छा तुम्हें याद है हम पहली बार कब मिले थे? हाँ याद है। अरे बहुत तेजी में कैसे मरेगा के? कुत्ते, मैं सिखाऊंगी तुझे तुम धोखा देना। अरे क्यों मार रहे हो बेचारे को? तू है कौन? बीच में मत पड़, जो लपेटे में आ गया ना। क्यों मार रहे उस बेचारे को? लड़ाई झगड़े में कुछ ना धरा, प्यार तो काम लेना चाहिए। प्यार ही तो किया था, धोखेबाज निकला, किसी और लड़की से भी बात कर रहा और मेरे से भी बात कर रहा। अच्छा तो तुम एक काम करो ना, तुम्हें सैड सॉन्ग सुनना चाहिए। इस बेचारे को क्यों मार रही हो तुम? गालिब जी बीच में ना पड़ो, जो इसके साथ लपेटे में आ गए ना तो तुम भी धूल में मिले पाओगे। ए प्रीति पकड़ इसे। ऐसा कैसे जानते ही मारोगे तुम? छोड़ दे मुझे, आज तो नहीं छोड़ने की। मैं रुक जा। तो वही लड़की है। अब तब तो हुआ ना, और अब जरूर हो जाओगा। अरे इसको इसका नंबर भी लिख रहा, फोन करता हूँ, अगर घर वाले कुछ कहेंगे तो कह दूँ आई कार्ड देने के लिए फोन करा। न्यू नंबर। हेलो। हेलो, मैं बोल रहा हूँ। मैं कभी कोई नाम होगा? मैं निशांत। कौन निशांत? अरे वो दिन में तुम्हें आसिक को मार रही थी ना, जब मैंने छुटाया था। नंबर कहाँ से मिला तुम्हें?
तुम्हारा आई कार्ड वहीं गिर गया था तो उसी को लेके कॉल कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। आई कार्ड ढूंढ ढूंढ के मैं तो बहुत परेशान थी। कल मेरा प्रैक्टिकल भी है। अच्छा प्रैक्टिकल है, और वो भी कल? अब आया ऊंट पहाड़ नीचे। किस टाइम था तेरा प्रैक्टिकल? प्रैक्टिकल तो सुबह 10 बजे है, पर उससे पहले कॉलेज के बाहर तुम देने आ जाओगे? मैं तो शाम को आया करूँ उधर। अगर तुम्हें जल्दी है तो कटेला चौक आ जाओ, वहीं हमारे खेत हैं, वहीं मैं तुम्हें मिल जाऊँगा। तुम नहीं आ सकते प्लीज? ऐसा है मेरे पास ना टाइम, लेना हो तो ले जाइए, मेरे घर तो टाइम है ना, चाहे अपना नया बनवा लिए। ठीक है, होने दे थोड़ी देर परेशान। बड़ा अकड़ू है, फिर से कॉल करती हूँ। हेलो, क्या नाम बताया था आपने अपना? निशांत। हाय निशांत, मैं रश्मि। तो मैं क्या करूं? देखो निशांत, मेरा घर कॉलेज से बहुत दूर है, मुझे आने में टाइम लग जाएगा, हो सकता है मेरा प्रैक्टिकल छूट जाए, तुम प्लीज मेरी इतनी सी हेल्प कर दो, प्लीज प्लीज। देख मेरे धरना है टाइम, मेरा चल रहा पानी, मैं अब भी खेत में बैठा हूँ, लाइट ने वैसे दुखी कर रखे है, तुझे अगर आई कार्ड चाहिए तो यहाँ आ जा और ले जा इसे। देखो निशांत, मैं बहुत गरीब घर से हूँ, मेरी माँ बीमार होकर भी मुझे पढ़ा रही है। यू नाटक करना बंद कर, 20,000 रुपए का फोन था तेरे हाथ में, पागल मान रही दिखे है मुझे। निशांत कैसे लड़के हो तुम, एक लड़की तुमसे हेल्प मांग रही है और तुम उसकी हेल्प नहीं कर सकते? अच्छा चल नू बता, मैं आ तो जाऊंगा पर मेरा क्या फायदा होगा? चलो कॉफी पिला दूंगी। अच्छा चल ठीक है, प्लीज 9 बजे तक आ जाना। ठीक है चल, तू सो जा चैन से। ठीक है। है तो अकड़ू पर दिल का अच्छा है। आइए बैठिए। आई कार्ड, कॉफी? ओके भैया, तो कैपेचिनो? मीठा तेज गिर लिया भाई। आपको आने में कितना टाइम लगा? मुझे तो आधा घंटा लगा। और तुम्हें? मेरा घर कटेला गांव में है। तो मुझे यहाँ क्यों बुलाया? आते वक्त महिला नहीं लिखती, वैसे मैं पानी छोड़ कर आया हूँ। अरे वो भैया आते हैं ना मुझे छोड़ने, तो फिर तो मैं तेरे से कुछ कह रहा था, तुझे परेशान कर रहा था, तुझे छेड़ रहा था मैं। ये लो कॉफी पियो। और क्या करते हो आप? मतलब तुम? मैंने एग्रीकल्चर में मास्टरी की हुई है, मैं कोई ऐसी ऐसी खेती नहीं करता बल्कि अपनी पढ़ाई का पूरा फायदा उठाता हूँ। 2 बार तो मुझे जिला अधिकारी से भी इनाम मिल चुका है। मैं अपनी पढ़ाई की तकनीकी से खेती को एडवांस करना चाहता हूँ। फिर भी हो तो किसान ही। किसान होना कोई छोटी बात नहीं है, और किसी की नौकरी करने से अच्छा तो अपनी खुद की खेती कर लो। एक किसान ही ऐसा है जो पूरे देश का पेट भरता है, पेट भरने के लिए अन्न की जरूरत होती है, पैसे नहीं खाए जाते। और क्या कह रहे तुम नौकरी के बारे में? नौकरी तो मुझे गुजरात में मिली थी, लेकिन मैं जो कुछ भी करना चाहता हूँ अपने प्रदेश में रहकर करना चाहता हूँ। ठीक है बाबा, गुस्सा मत करो। और बताओ तुम क्या करती हो? मैं बीएड कर रही हूँ। अच्छा, घर में कौन कौन है? मेरे घर में भैया, भाभी, मम्मी पापा और मैं बस। और तुम्हारे? क्यों राशन कार्ड बनवाओगी हमारा? तो तुमने क्यों पूछा फिर? तो तुमने बताई क्यों? बहुत स्मार्ट बन रहे हो। ये लो अपना आई कार्ड, तुम्हारा प्रैक्टिकल टाइम हो गया होगा। थैंक यू फॉर योर हेल्प। नंबर डिलीट कर दो तुम्हारा। रख सकते हो, वो मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ठीक। रह दिल
राजी तने देख रे तू लाखा में से एक दिल राजी तने देख रे तू लाखा में से एक मिले सारे सवाल के जवाब मेरे हो हो तने देख के जग से ख्वाब मेरे हो आ तने देख के जग से ख्वाब मेरे हो तेरी आशान मेरी काट लेगी जान तेरे इश्क का ऐसा से सरूर बलवा हो तन्ने जावण दो ना पल भी मैं दूर पल ये भी खानी पड़ेंगी। मेरा पेट भर लिया मेरे पे ना खाई जावे। क्यों
क्यों ना खाई जाएंगी, रोज तीन खाकर उठ जाओ ना, आज पांच खाओगे पूरी। और जब मेरे पे तीन ही खाई जा, ज्यादा कैसे खा लूं? बीड़ी तो पिया लो सारा दिन। खा रहा हूं, खा रहा हूं। मुझे काम याद आ गया, को उसे निपटा कर आ रहा हूं। कहां जा रहे हो? रोटी खाओ। हाँ छोड़, रोटी खाओ। छोड़ दे, जान इतनी दिक्कत है बीमा को। रोटी खाओ, रोटी बिना रोटी खाए जान ना दूं। छोड़ दे मगा। भाभी कैसे भीम भैया की जान लेने को हो रही है? अरे भैया कुछ ना, भीमा भैया की खतर चल रही है। और भैया एक बात सुन, रिश्ता तेरा भी हो गया, यूं समय अब तेरे पे भी आने वाला। मेरा जैसा टाइम आओगे आ जाएगा, तू रोटी खा ले चुपचाप, कोई तेरा बुरा टाइम आ जा। चल घर में को आ जा तू। बीड़ी तो पिया लो सारा दिन, अगर रोटियों का नाम ले दो तो बहाने सूझने लग जा। आ जा। पापा जैसे मम्मी मुझे मारती है ऐसे दादी भी आपको मारती थी? हाँ बेटा, पिटाई तो होती थी मारी जब भी हम शरारत करते थे, पर तेरे चाचा का ज्यादा लगे घेंसड़े, मैं तो ना पतियारा ना था। पापा आपकी भी लव मैरिज हुई थी? अरे कहाँ बेटा, मुझे तो मेरे फूफा ने फंसवा दिया। मुझे भी। तुझे कैसे बे? पापा जैसे आपको मम्मी से डरना पड़ा है, ऐसे ही मुझे डरना पड़ा है, कोई अच्छी मम्मी ले आते तो ठीक रहता। अरे बात तो तू बहुत बढ़िया कह रहा मेरे लड्डू। जो के है किसका है? वो मैं क्या पीऊं इसा? और क्या मैं पीऊं इसा? नीजू के लोअर में से लिगड़ा आयो तो फिर उसी से पूछ। इस लोअर को तो हम कल सांझ खेत में पैर के गए थे, जब से नुई पड़ा तो इसका होगा, मालिक का, मालिक का। अरे मालिक तेरा है वो? भाई साहब मुझे क्यों फंसवा रहे हो? बाबा भैरव कसम, यू रोग तो हमने भाभी कभी पाले ही नहीं, बीवी तुम्हारे खानदान में किसी ने नहीं पी, ये तो मुझे फंसा रहे हैं। काम करे ये और भुगतू मैं। मुझे भी नहीं पता मैं क्या पीऊं बीड़ी। और के मैं इसे अपने दहेज में लेके आई थी, सच सच उगल दो नहीं तो उगलवाना मेरे से आवे भी। मुझे नहीं पता इसके बारे में कुछ भी। आजा बेटे आज निशु, आज तेरा भी नंबर है, तुझे भी देखूंगी आज। यहाँ तो मास्टर की जुताई चल रही दिखे, भाभी भी झाड़ू ले खड़ी है। अरे न्यू बतायो बीड़ी किसकी? तेरे लोवर में से मिली और कल सांझ को ये पैर के गए थे इसे। हाँ तो इससे पूछ ना, मैं ना पीता हूँ बीड़ी बाड़ी। तो मैं ही कौन सा पीऊँ इसा? मम्मी मुझे लग रहा है कि आजकल ये दोनों ही पीने लगे। ये बीड़ी तो भीमा की है, वो सीमा भाभी से डर के बीड़ी का मंडल मेरे घर धर दे, और जब पीनी हो तो मेरे से मांग के पी ले, ये मंडल भीमा का है। तेरे पल्लेदारी के चक्कर में ना मेरे गोड्डे झांक देती आ गया। भीमा को देखूंगी उसे भी। ए भी मास्टर, मुझे लगा है बेहतर वाकई नुकसान ही नुकसान दिखे है। उनका तो भीमा में लठ बज रहा और यहाँ तेरे में झाड़ू बजने वाली है। अभी तो चुग रहा है ना, हरी हरी आने वाला तेरा भी नंबर। और तू देखो प्रधान जी, जो कृपाल दो बार प्रधान बना ना, ये केवल उस मास्टर की वजह से बना, ये साले गांव वाले कहने इतना मानना है उसका। भाई तो उसका कुछ ना कुछ तो इलाज करना पड़ेगा। है भाई, उसे अगर गांव में बदनाम कर दें तो कैसा रहेगा फिर? चट्टे इतना आसान भी ना जितना तू समझ रहा। आसान ना तो नामुमकिन भी ना है, सो हथकंडे मारे दो रहे, आज तक कोई बचा झपटे की झपट से जो यो बचेगा। भैया तुम अगर उसे किसी केस में लंबे टाइम तक अंदर करवा दो तो कैसी रहेगी? अलग सना लिया, अरे हम तो वैसे जीतते पड़े फिर। सही कह रहा भाई बिल्कुल, उसे किसी न किसी धारा में करके साल भर के लिए अंदर करवा देते हैं। ये रास्ता सही है प्रधान जी। रास्ता तो सही है पर करोगे के वो भी तो सोचो। ढूंढ लूंगा कोई रास्ता। प्रधान जी एक रास्ता है, कल मास्टर के छोटे वाले भाई का ना रिश्ता पक्का हो गया। अरे वो तुम्हारे फूफी के घर के दौरे से होया, फूफी के घर जिस दिन पहुंच गया ना उठा लाऊंगा छोरी को भी, रिश्ता तोड़ के आऊंगा। हाँ भाई क्या रोटी खाई आज? मैं बताऊंगा तुझे क्या रोटी खाई, साले मैं बनाऊंगा तुझे हिसाब। ए भैया बहू के आगे तेरे पे बोलन जा रहा, मेरे पे जोर दिखा रहा। बहू के आगे को बोल सका आज तक जो मुझे बोलवाओगे तू, पर मैं आज तुझे नहीं छोड़ने वाला, तू मरेगा आज मेरे हाथों से। मैं कह रहा रुक जा, अरे रुक जा,
अरे छोड़ दे मालिक, छोड़ दे मालिक, मुझे बता रहा साले मालिक तू है, आज तुझे जान तो मारूंगा। छोड़ दे, एक बार बताऊंगा, मुझे कुछ नहीं सुनना, तुझे छोड़ दूं नहीं। भैया मेरी सेटिंग होगी। हैं? हाँ, किसका? भैया कल हेमा की मम्मी मेरे से मेरे खानदान के मेरी तनख्वाह के बारे में पूछ रही। अरे ओ मालिक के बच्चे, तू नू बता, तेरी सेटिंग हेमा तो हुई है, हेमा की मम्मी तो? भैया सेटिंग तो हेमा से ही हुई है, पर बैठ बात करके अरब की बार मेरा ब्याह करवाई दो, अन्ना कभी पिछली बार के रहा धोखा दे दो मुझे। एक काम कर, तू पहले मेरी बीड़ी लेगा, फिर सोचो तेरा ब्याह करवाना ना करवाना, बाकी करवा दूंगा, जा बीड़ी लेगा। ठीक है भैया, बीड़ी तो मैं ले आऊंगा, पर एक बात बताओ, तुम सीमा भाभी से तो डरो क्यों? दी दही खुराक मांग रही है, तुझे खेत में ठोकूंगा, जाकर बीड़ी लेगा। चल मैं बीड़ी ले रहा हूँ, फिर नीचे भी तो चला खेत में। रहो खेत में, आ जाकर तू बीड़ी ले आ। ले रहा हूँ तो। माँ, सामान का तो सारा हो गया लगभग, बस कपड़े तो गहने का रह गया। ठीक है बेटा, लिस्ट रख दे संगवाते, शाम को तेरे पिताजी आएंगे, उनको दिखा लेना, कपड़े और गहने में खुद देख लूंगी। ठीक है माँ। अब ज्यादा दिन न रह रहे भी हम, एक आध दिन में तेरे पिताजी को लेके दिल्ली जाऊंगी, वो तेरी दिल्ली वाली मौसी है ना, उसने बताया वहाँ कपड़े गहने बहुत जोर के मिले। दिल्ली से ना, इसके लिए तो लंदन से आवेंगे। तेरे क्यों आग लग रही है? रश्मि के पापा और भैया दोनों कमा रहे हैं, इकलौती नंद है तेरी, इसे खुशी खुशी विदा करो। मेरे क्यों आग लगती? सब कुछ तुम इसी के नाम कर दो, मैं क्या मना कर रही? फालतू ना बोले तू, तुम तो बस चुप्पी बैठे रहो। जा डूब के मर जा कहीं, अपनी लुगाई के सामने अपनी बात भी ना रखी जाती, एक ही घुड़की में चुप बैठ गया। हमारी छोरी है, जो जी चाहेगा वो देंगे। माँ तुम क्यों उलझती हो भाभी से? तुझे भी मैं ही दिखूं उलझती हुई, वो क्या क्या कह के गई वो ना दिखा तेरे को। अब तू कहाँ चला? अपनी रंभा के जाके तार पकड़ेगा, नाराज होगी ना महारानी। हाँ कर दे साफ सायो, बढ़िया साफ सा हो जाएगा ना, पानी तेजी से चला गया। मैं नु सोच रहा हूँ, नीम की पतौर वाला खाद तो तैयार हो ही है, अब तो एक वांट था पहले खाद गिरवा दूं। अरे भाई ये खाद वाला डिपार्टमेंट तेरा है, तू जाना तेरा खाद जाना। अरे इस मारे बता रहा हूँ, खाद गिरवाना तुझे आना पड़ेगा। यो मालिक नहीं आया इस पे गिरवा ले? क्यों, मैं क्यों गिर दूंगा खाद? तनख्वाह ना मिलती तुझे? तनख्वाह तुम ना लेते हो? अरे डलवा दी यार, मालिक नाराज क्यों हो रहा है? अब का गन्ने का रेट बढ़ेगा तो तेरी तनख्वाह भी बढ़ा दूंगा मैं। अपनी बढ़वा लियो तनख्वाह, पर खेत में खाद गिरना जरूर पड़ेगा। बाकी क्या तैयारी है? बस जैसे जब तक घोड़ी बैठना। तुझे बहुत जल्दी हो रही है, चल काम कर अपना। ठीक है भैया, मैं तो नाक का फेर का हूँ। भर गया तेरा खेत? अरे कहाँ भर गया, 20 मीटर काम रहेगा, बिजली चली गई। चल कोई बात ना, बाबा की सरकार है, फिर आ जाएगी लाइट तो। फिर अरे मेरे तो हो लिया स्कूल का टाइम, मैं तो चलूँ घर। अबे नीसू तू इस काम चोरे क्यों लाया करे? मका यार थोड़ा सहारा लगा देगा, पर तो काम को और बढ़ा दे। जो काम तन्ने बताया था ना वो पूरा कर दिया मैंने, और आगे सुनाने का मैं तू तो चाहिए रहा यार, तेरा पीछे छूट जावे। है भाई यूं तो बता, कृपाल ही गैल रहा होगा, पार्टी बदलेगा? क्या पार्टी बदलने का तो सवाल ही नहीं हमारा भाई, वो तो ठीक है, पर मैंने सुना झपटे कुछ करने के चक्कर में। अरे झपटे का कोई डर ना, हम गांव की सारी वोट मारी है। अरे मैं तो चलूं, मेरा तो हो लिया टाइम स्कूल का। चल ठीक है तू जा। क्या माल दे मेरा ले। ए भाई हम्मा ट्रैक्टर बदलना है? सोच तो मैं भी नहीं रहा हूँ, पर अभी काम चल रहा है, अभी तो तेरा ब्याह है, खर्चा है, उसके बाद ले लेंगे, और साथ जी ले लेंगे, बड़ा ले लेंगे। चल ठीक है। अरे यो क्या कर रहा है तू, शर्म ली आनी आती तुझे? तुझे इस बात का भी ख्याल है, तेरे बाप ने कितनी मेहनत मजदूरी करके पैसा कमाया है, और तुझे ऐसा उड़ा रहा है नशे में? तू के धार ले है। अरे तू क्यों गांव के बालकों को बिगाड़ रहा है? अरे मेरी जो मर्जी मैं वो करूंगा, तेरे सर वो कजा रोक लिए, चल निकल रास्ता ना आप अपना। बस कर रहा है यहाँ? अरे आंख कैसे काट रहा तू? देखिए इलेक्शन में 3-5 करा ना ज्यादा, तो 7-2 कर दूंगा, पूरा 9 बैठे, निकल ले नहीं तो 13 भी समझ। चल दिल्ली दिखा दे।
रे जल तो रही है मेरे में लगा बै तिल्ली अब। हाँ जी मास्टरनी जी, कैसे हो? हम तो ठीक है जी, तुम बताओ तुम कैसे हो? एकदम बढ़िया। आपने मैसेज किया था कि कॉल करना। सुनो ना, मेरा कॉफी पीने का मन है। तो अब मैं कॉफी लेकर आऊं खेत छोड़ के? अरे नहीं, मतलब हम वही कॉफी पियेंगे जहाँ हमने पहली बार कॉफी पी थी। ठीक है, बताओ कब? इसी संडे। मतलब कल ही? तुम वैसे ही तैयार होके आना जैसे हम पहली बार मिले थे तब तैयार होके आए थे। हाँ हाँ ठीक है, आ जाऊंगा। आदि को लेने कितनी देर में आ रहे हो? कितनी देर का? छुट्टी के टाइम पे आऊंगा। मेरा सामान ले आना, भाभी दे देंगी आपको। ठीक है, अब चलो मैं कुछ काम कर लूं। ठीक है, टाइम से आ जाना। भाभी? हाँ? मैं आदि को लेने जा रहा हूँ। रुक जा, जो रश्मि को सामान देना वो मैं लेके आ रही, तू रुका रहा अभी। भाभी जा रहा हूं मैं। आ तो रही हूं। इतनी जल्दी बची रहा है, घना ही बेताब हो रहा उससे मिलने को है। अरे भाभी तू भी मजाक ही करो जा है? बेटे सब पता मुझे। राजो मानस एक आध पैक लगा जियो। घर में माँ बहन ना है तेरे, उन्हें पिला ले दारू, साथ में नचा भी लिए। भाभी की बात होगी, बदतमीजी कर रहा, उल्टी सीधी बोल रहा। तुम जाओ मैं देखूं इन्हें। ओ निशु औकात में रह अपनी। जानता ना तू हमें, कौन है हम? औकात में तू रह अपनी, गांव की औरत ऐसा बोल लेगा हड्डी तोड़ दी जाएगी तेरी। जा चला जा, ना तो धूल चाटता नजर आवेगा। रहो फैंटम, जानता ना किसके लौंडे हैं ये, निकल ले चुपचाप, ज्ञान मत दे बे, घुस भर देंगे खाल में, नजाकत ला देंगे चाल में, समझ गया ना? मेरी बात सुन, आज के बाद में अगर किसी औरत को उल्टा सीधा बोला तो मेरे तो बुरा कोई नहीं होने का, समझ गया ना? औरत छोड़, ये आदमी भी छेड़ेंगे। आज के बाद देख लू, ध्यान रखिए। तेरा नंबर जरूर लगेगा, तू तो चढ़ा रखा लिस्ट में, ध्यान रखे बस। रे मर गया क्या, उठ जा। रुक 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 रुक, कहाँ जा रहा है इतनी तेज? अरे आदि को लेकर आऊं स्कूल में, तो गुस्से में क्यों है फिर? वो ना झपटे उसका होगी झपट, अभी लगाए कान पे, अपने यहीं बैठा कर शराब पियोगे दारू प्या रहा, लुगाई छिड़वा रहा गांव की। चुनाव के टाइम पे झगड़ा मत करा किसी से भी, ध्यान रखिए आगे तय। ठीक है। अरे एक काम कर देगा, मेरे फोन का चार्जर खराब हो गया, लेता होगा। हाँ मैं ले आऊंगा। और आराम से जाइए। ठीक है। साले मैं तुझे तेरे सारे मोहल्ले में ढूंढ लिया और तू यहाँ पड़ा। इतने जोर का सपना रहा था, श्रीदेवी आई थी सपने में, क्यों ढूंढ रहा था तू मुझे? अरे सारे गांव में तू ही तो काम का आदमी है मेरे यार, गला सूख रहा बहुत दिन हो लिए और तेरे घर इलेक्शन वाला सामान पड़ा। हाँ आएगा तो कर ना। मैं भी नहीं सोच रहा था कोई आदमी आ जा पीने वाला, तो मजा आ जा भाई। बहुत बढ़िया, कहाँ है हीरा? मौज कर दी, ले गाल पैक। मारिक पैक घालेगा तू? क्यों? क्योंकि मैंने पैक बना के दे दिया ना, तेरे पास झेलने के नहीं है, तू दो दिन तक नहीं उठने का। अरे साले न्यू क्यों ना कहता कि मेरे बनाने नाते, अरे मैं बनाऊंगा बटेऊ पैक। बटेऊ पैक? हाँ। यू कैसा पैक हो? पिएगा तो जभी तो पता चलेगा तुझे। बनाओ तो फिर। बना रहा हूँ। नमकीन पम्पकिन कुछ? अरे एक बात है, हाँ। एक प्रधान तो दारू बंटवा रहा, दूसरे को नमकीन बांटनी चाहिए और गिलास भी बटने चाहिए यार। लो जी।
बड़ा तू है, बड़ा गिलास तू पी। ठीक है। चीयर्स। अबे साले कैसा लगा ये बटर पैक? अबे तो फुरफुरी आ रही, पहले चढ़न दो फिर बताऊंगा कैसा लगा। एक बात और पूछनी, घर में सब ठीक है? मम्मी पापा घर में क्या दिक्कत होती, घर में सब ओके? और हेमा भी ठीक है? मालिक बटे पे कब इतना में चढ़ा है कि मैं तुझे सच्चे कोई बटे मान लू? ज्यादा छो में ना वे, रिश्ते की बात चल रही है मेरी। क्यों बैठ जा चुप? मैं तो बैठ जाऊंगा चुप, अब तो खड़ा हो ले। जी जो कुछ तू कह रहा यू ही तमीज सिखाई तेरे घर वाले तुझे? ए निकल ले यहाँ से, कभी तुझे यहाँ तमीज सिखाऊ मैं। अच्छा अब तू मुझे तमीज सिखाओगा? मालिक नाम रखने तो मालिक थोड़ी हो जाएंगे, छोले तो तू गंदे ही है तो नौकरी। चले बहुत ना बोलिए, मालिक हूँ मैं मालिक, सबसे पहली रोटी मैं खाता हूँ और सबसे ज्यादा दूध भी हूँ। चले अपनी सोच अपनी, तुझे रोटी भी नसीब ना। ना हो नसीब, तेरे घर तो नजारा मांगने। तू एक बार जिज्जा कह दे और मैं दाल सब्जी रोटी मैं दूंगा तुझे। मैं तो ना कह रहा जिज्जा। जिज्जा तो तू कहेगा, तिलक भी तू ही करेगा, अब ना कहेगा तो शादी के बाद कहेगा। तेरे सच्चू में हेमा से बात चल रही है क्या? हाँ और के घर वाले बावले इतना हो गए। साले बावड़ा तू होगा, तू होगा तू। कहाँ रह गए? आ गए शायद। चाचा कहाँ रह गए थे सारे बालक जा लिए? बेटे कुछ बहुत जरूरी काम था उसे करने में लग रहा था। चाचा बहुत एक भूख लग रही है, अब चलो भी। चल तो एक काम करिए, तो रास्ते में कुछ खुआ दूंगा, ठीक है? मम्मी ने मुझे बाहर की चीजें खाने के लिए मना किया है। अच्छा नू बता, अब तो तेरी चाची परेशान ना करती तुझे? आज ही दिया प्रसाद। हाँ देखना कितना झूठ बोल रहा है, काम नहीं किया था फिर भी कुछ नहीं बोला। हाथ तो ऊपर करवाए थे। अच्छा जब काम ढंग से ना करेगा तो प्रसाद तो मिलेगा ही। बेटे ब्याह भी ना हुआ, बहू के पीछे पीछे फिरने लगा। लाओ आप मेरा सामान दे दो, भाभी ने दिया होगा। हाँ मुझे याद है। चाचा बहुत तेज भूख लगी है, चलो ना घर। नमस्ते कर ले अपनी चाची से। मैडम जी नमस्ते, और कोई ड्रामे बाकी हैं क्या? चलो चल, और टोपा धर ले सिर पे, बड़ा शरारती है। अरे वो अर्जुन मास्टर तो निकला डरपोक, उसके तो सारे तीर कमान फेल हो लिए, और वो नीसू छोटा वाला वो बहुत फड़फड़ा रहा था। हाँ सबकी अगर निकालनी है अब का तो क्या है, बात समझो इलेक्शन का दौर चल रहा है, अगर कोई भी पुलिस केस होगा ना तो पर्चे भरने में बड़ी दिक्कत आ जाएगी। ठीक कह रहे हैं प्रधान जी, एक बार ये चुनाव निपट जाओ फिर इनका भुस भर देंगे हम। ना ना मड़वा तो इनका अभी दाबना पड़ेगा, ये चुनाव में जरूर कुछ गड़बड़ करेंगे, पंगा जरूर लेंगे, अभी छिटपिट लेंगे ना तो कान दाबो पड़े रहेंगे चुप। हाँ तो गांव में दारू बटवानी शुरू करो और ये मना करेंगे, मना करते इनका भुस भर लेंगे, हमें बहाना भी मिल जाओगा। सही कह रहे हो प्रधान जी, ऐसा लग रहा हमारे आदमी की गलती है, अभी कुछ करेंगे ना तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अरे ये तो मास्टर का नौकर है। ओए कुछ नहीं करना, इलेक्शन का टाइम है, पुलिस केस होगा दिक्कत हो जाएगी। ए भाई ठहरी नमकीन ना खाने का, मैं तुम तो एक नंबर के झूठे झूठे। मेरे भाई अब किसने झूठ बोल दिया? झूठ बोल दिया सारे, सबसे बड़ा झूठा तो तू है। बैठ बैठ हटते हैं गुस्से में भरा रहे। अरे इसने मुझे ब्याह का लालच देके कई महीने तक बीड़ी पी बैठते और कई गुटके खवाए, मरने से गुटके बहुत खवाए और लौंडिया का इन्हें नाम नहीं बताया। फरोर प्रधान है, झूठा प्रधान, झूठा प्रधान।
अरे इधर छोड़ का, तो आके अभी यहीं फेरे से घेर दूंगा। आग तो लगा के दिखा दे, तेरे जैसे को प्रधान को मैं नूं चुटकी में मसल दूंगा, खोपड़ी का कबूतर बना दूंगा। बहुत बड़ा इतिहास रहा मेरा भी, फायर के सिखा दूंगा, पांव धर के खरबूजे से फोड़ दूंगा, पित्तल तार दूंगा, पित्तल मैं अपने आप जाऊंगा। अरे छोड़ के क्यों ना आता, तू छोड़ दे मालिक, पूरे गांव का मालिक है भाई तू तो। मेरे मुंह का ही प्रधान यार, आधा यार पूरे गांव। और रख लो शांत, ऐसे अड़िया खड़िया भी आए के जोत जा। पिटलो पिटलो, पुलिस केस तो बचो।